हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रेशर कुकर में चिकन करी कैसे बनाएं। पहले मैंने मटन करी की वीडियो अपलोड की थी तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स यही आए थे कि चिकन करी बना के भी दिखाएं। तो आज की रेसिपी है प्रेशर कुकर चिकन करी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये वो प्रेशर कुकर चिकन करी जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। प्रेशर कुकर में चिकन बनाने का एक ही फायदा होता है, चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और ये देखिए, इतना सॉफ्ट बनता है कि मुंह में डालते ही चिकन ऐसे घुल जाता है। तो आप ऐसे चिकन करी घर पर बना सकते हैं। और जो हम प्रेशर कुकर में चिकन करी बनाते हैं ना, टाइम भी बहुत ही कम लगता है उसको बनाने में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी चिकन करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और चिकन की ग्रेवी देखिए, जैसे लग रहा है कि मटन बना के तैयार करके रखा है हमने। तो आप ऐसे ही चिकन की ग्रेवी बना के तैयार कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से चिकन करी बनाना सीख पाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है, बीथ बोन चिकन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जो चिकन के लेग होते हैं ना, इनमें आपने देखिए ऐसे कट लगा लेने हैं। कट लगाने का एक फ़ायदा होता है कि चिकन के अंदर तक मिर्च मसालों का टेस्ट आ जाता है। या फिर आप चिकन कटवाते हो ना जब, तो उनसे ही आप कट लगवा लें। तो सबसे पहला काम होता है हमारा चिकन को अच्छे से धो लेना, क्योंकि चिकन को हम कटवा के लाते हैं तो बाहर से एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह लगा होता है और छोटे छोटे पंख भी लगे होते हैं। तो उसको सबसे पहले आपने अच्छे से धो लेना एक बार, और धोने के बाद जो पानी है इसको आपने फेंक देना है। और चिकन को आपने किसी छन्नी, स्पाइडर या फिर स्ट्रेनर के अंदर छोड़ देना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो पूरा निकल जाए। पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। देखिए, मैंने यहाँ पे स्पाइडर के ऊपर चिकन को रखा है। तो 5 मिनट तक आपने इसको ऐसे रखना है। उसके बाद एक बॉल में मैंने चिकन को देखिए ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ पे। सबसे पहले इसको हम मैरिनेट करेंगे। 1 छोटा चम्मच भर के इसमें डालेंगे सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच इसमें भर के लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे इसमें 1.5 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर थोड़ा सा अपने ज़्यादा रखना है इसमें। 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे मैंने देखिए 150 ग्राम दही लिया है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा खट्टी दही होगी तो आपकी ग्रेवी ज़्यादा खट्टी बनेगी। अब इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप दही को स्किप कर सकते हैं। मिर्च मसालों से चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दीजिए ऐसे। तो इसको कम से कम आधे घंटे तक आपने ऐसे ही छोड़ देना है मैरिनेशन के अंदर। यहाँ पे मैंने देखिए 200 ग्राम टमाटर लिए हैं और 300 ग्राम यहाँ पे मैंने प्याज लिया है। अब मुझे ऐसे भी बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमें कटिंग करना भी सिखाया करें। तो देखिए, कटिंग कैसे करते हैं, फाइन चॉप करना है प्याज को, ऐसे कट लगा लीजिए। दूसरी साइड में भी आपने कट लगा लेने, देखिए। फिर आपने प्याज को 1/2 कर देना है और प्याज को आपने सीधा रखना है। और उसके बाद आपने ऐसे फाइन चॉप कर लेना है। देखिए, 2-4 बार आप प्याज को ऐसे काटेंगे ना तो कटिंग करना बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। ये देखिए, लास्ट का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके फाइन चॉप कर लेना ऐसे। तो ये देखिए, हमारा जो प्याज है एक बराबर फाइन चॉप हुआ है। तो आपने भी प्याज को ना ऐसे ही चॉप करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्याज चॉप कर लिया है। जो टमाटर थे उनको मैंने मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, प्यूरी बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन की छीली हुई कलियाँ ली हैं। इन लहसुन की कलियों को आपने ना कूट लेना है। देखिए, ऐसे कूट के डालेंगे ना बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है नॉन वेज में। तो देखिए, ऐसे आपने इनको अच्छे से कूट लेना है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो 1 kg चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 150 ml मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप सिंपल रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं चिकन करी बनाने के लिए। अब मस्टर्ड ऑयल को आपने धुआं निकलने तक अच्छे से गर्म कर लेना है, तब इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर खत्म होता है और इसकी स्मेल खत्म होती है। तो देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने देना है। फिर इसमें होल स्पाइसेस डालने हैं, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, साथ में इसमें 2 छोटी इलायची डालेंगे और 2 से 3 तेज़पत्ता डालने हैं। और ये देखिए, 3 मैंने यहाँ पे लौंग डाले हैं इसमें, और 5 से 7 इसमें आपने ब्लैक पेपर होल डालनी है, और साथ में आपने 1 छोटा चम्मच यहाँ पे साबुत जीरा डाल देना है। अब इन मसालों को आपने बिल्कुल लो हीट में तिड़कने देना है, तब इनका फ्लेवर एक्टिवेट होता है। फिर देखिए, कूटा हुआ लहसुन रखा था वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। और लहसुन को आपने थोड़ा सा पका लेना है। लहसुन को पहले डालने का एक और फायदा होता है, मस्टर्ड ऑयल की स्मेल को लहसुन खत्म करता है। फिर इसमें देखिए, चॉप किया हुआ प्याज भी ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने बढ़ा देनी है। और प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो कंटिन्यू आपने प्याज को स्टर करते रहना है। ये देखिए, प्याज हमारा पक चुका है। यहाँ पे प्याज का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब गैस की फ्लेम एकदम कम कर दीजिए और इसमें आपने 2 से 3 हरी मिर्ची लेनी है, उनको स्लिट करके डाल देना है, 1/2 करके डाल देना है। आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। और इन मिर्चों को भी आपने प्याज के साथ थोड़ा सा पका लेना है। फिर आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और पेस्ट को भी आपने तब तक पकाना है जब तक पेस्ट की जो स्मेल है ना वो खत्म ना हो जाए।
तो देखिए पेस्ट भी हमारा यहाँ पे पक चुका है। फिर इसके अंदर एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, कलर के लिए, कलर अच्छा है। और 1/4 टीस्पून आपने साथ में हल्दी पाउडर डालना है और इनको तड़के के साथ मिक्स कर लेना है। देखिए बस मिक्स ही करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड कर देनी है, जो टमाटर हमने पीस के रखे थे। आप चाहे तो टमाटरों को चॉप करके भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मिक्सी ग्राइंडर ना हो। और जब भी आप तड़के में टमाटर डालें तो सॉल्ट आप जरूर डालें। तो देखिए थोड़ा सा आपने इसमें ना सॉल्ट डाल देना है। सॉल्ट आप थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि चिकन की मैरिनेशन के अंदर हमने सॉल्ट पहले ही डाल के रखा है। अब अच्छे से टमाटरों को तड़के के साथ मिक्स कर लेते हैं और टमाटरों को आपने तब तक पकाना है जब तक टमाटर ऑयल ना छोड़ दें। तो ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर को ऊपर से कवर कर दिया है क्योंकि टमाटर जो है वो छींटे मारेंगे। तो लगभग 5 मिनट टमाटरों को पकते हो चुके हैं देखिए, और अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिया टमाटरों ने। तो इस स्टेज तक आपने टमाटरों को पका लेना है। अब पता कैसे चलेगा टमाटर पक चुके हैं, जब मसाला ना दानेदार हो जाता है, देखिए आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मसाला अच्छे से पक चुका है यहाँ पे। फिर आपने इसमें जो धनिया की स्टंप्स होती है, जो डंठल होती है ना, वो चॉप करके डाल देनी है, एकदम फाइन चॉप करके डालनी है। अच्छा फ्लेवर आता है चिकन करी में इनका। और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो भी ऐड कर देना है इसके अंदर। और बाउल में जो थोड़ी बहुत मैरिनेशन चिपकी हुई रह जाएगी ना, हल्का सा पानी डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के वो मैरिनेशन भी डाल देनी है। ज़्यादा पानी के यूज़ नहीं करना है क्योंकि चिकन की मैरिनेशन के अंदर जो हमने मसालों का यूज़ किया है ना, उनकी अभी हमने भुनाई करनी है प्याज टमाटर के मसाले के साथ। तो कम से कम 8 से 10 मिनट तक आपने चिकन को भून लेना है और गैस की जो फ्लेम है आपने यहाँ पे हाई कर देनी है क्योंकि चिकन अभी पानी छोड़ेगा। अगर चिकन ज़्यादा पानी छोड़ेगा तो उससे आपके मसाले अच्छे से भून नहीं पाएंगे। और देखिए ज़्यादा चिकन को हिलाना नहीं है, बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दीजिए और कवर करके इसको 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। बस ऐसे आपने स्टेप को फॉलो करना है, 2 से 3 बार आपने इसको ऐसे ऊपर से कवर करना है और चिकन को पकने देना है और बीच बीच में पलटा चलाते रहना है। देखिए ऐसे पकाना आपने तब तक है जब तक ग्रेवी ऑयल ना छोड़ दे। यहाँ पे ग्रेवी ऑयल छोड़ेगी तभी आपको पता चलेगा कि मसाले और ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पे ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है। अब एक बार आप नमक मिर्ची इसमें चेक कर लीजिए क्योंकि प्रेशर कुकर में जो चिकन बनता है ना उसमें नमक मिर्ची प्रॉपर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चिकन को लगभग 10 मिनट भून के पकाया है और हमारे मिर्च मसाले अच्छे से पक चुके हैं, ग्रेवी पक चुकी है। अब इसके बाद आपने इसके अंदर ना पानी डालना है, गर्म पानी का यूज़ करें, ठंडा पानी ना डालें। अगर आप चिकन बनाते टाइम ठंडे पानी के यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका चिकन टूट जाएगा। और पानी अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेवी आप पतली खाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डालिए, थिक ग्रेवी खाना चाहते हैं तो पानी का यूज़ कम करें। तो देखिए मैंने प्रेशर कुकर को ऊपर से कवर कर दिया है और सिर्फ आपने 5 से 7 मिनट तक पकाना है ऊपर से कवर करके। तो यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं और 7 मिनट के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। देखिए गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने बंद कर दी। अब चेक करते हैं चिकन हमारा पका है नहीं पका है। तो देखिए कलर देखिए ग्रेवी का, और चिकन भी हमारा अच्छे से पक चुका है। जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं ना वो प्रेशर कुकर में ज़्यादातर टूट जाते हैं बट बड़े पीसी नहीं टूटते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा चिकन पक के तैयार हुआ है यहाँ पे। और लास्ट में आपने इसमें ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, थोड़े से अदरक के जुलियन डालने हैं और 1/4 टीस्पून आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस चिकन करी को इंजॉय कीजिए आप रोटी राइस या नान के साथ और लच्छा भंडा के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।